हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो सेशन चल रहा था मैथ का, जो अभी एग्जामिनेशन डेट जब से अनाउंस हुए हैं रेलवे के, उसी सेशंस को कंप्लीट करते हुए ये फास्ट रिवीजन बैच है, जो कि 2018 से लेकर जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन का कंपाइलेशन के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है, ताकि एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। अभी आपको पता होगा एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेई के एग्जाम डेट अनाउंस हो गए हैं, जो कि नियरस्ट 40 दिन के अंदर सभी एग्जाम्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये डेट नंबर 4 है। इससे पहले डेट 3 तक वीडियो आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, कौन कौन से एग्जाम से क्वेश्चन आज लिए गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चन आज लिए गए हैं। ठीक है, तो आज देख लीजिए आईबी एएलपी 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल क्वेश्चन का कंपाइलेशन था, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आप लोगों में से कोई अगर बुक लेना चाहते हैं, कहाँ से ये बुक क्वेश्चन लिया गया है, ये बुक सारा क्वेश्चन लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स का एक नाम से केएन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके एक बेहतरीन बुक बना दिया गया है। ठीक है, सेट वाइज है, 255 सेट है। अगर आप ये सेट लगा लिए तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये एग्जाम एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज भी बुक अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। साथ में अगर आप सिर्फ एनटीपीसी के ही क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या सिर्फ एक ही मोटो है कि वो एनटीपीसी का एग्जाम्स क्लियर करें, एनटीपीसी का बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप बुक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने क्लासेस को। इन सब के आगे बढ़ते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए हमारा जो क्लास है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस कैसे बनाइएगा, पहले क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से बनाइएगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। बोला है यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या जो है उनका अनुपात दिया, 4:5, उनका एचसीएफ 6 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा आपसे पूछा गया है। सबसे आसान बताते हैं, अच्छा इन संख्याओं का योग पूछा जाएगा ना, इसका मतलब क्या है कि 4+5 इसके साथ कोई फैक्टर लगा हुआ होगा, मान लेते हैं x फैक्टर लगा हुआ है, तो संख्या क्या आने वाली है, 9x, 9 के साथ गुना होकर जो x फैक्टर होगा उसका मल्टीपल आने वाला है, मतलब 9 का मल्टीपल आने वाला है। 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल। आप ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ सकते हैं, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आप लगा दीजिएगा, आसानी से इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 9×54 इसका सही आंसर है। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा भाई, जैसे कि यहां बताया गया है दो संख्या 4:5 रेशियो में है, इनका सम भी तो वैसे कौन सा 4×5, 9 का सम में आना चाहिए, 9 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है 54, 9×54 होता है, यहां से आप बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 800 में बेचा, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, वस्तु की कीमत क्या थी। देखिए एएलपी 13 अगस्त 2018, अगर आपको लगेगा कि आसान आसान क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन को आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो में समय ज्यादा गवाइएगा मत। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 800 में बेचा जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ का मतलब कितना होता है, 25 का मतलब 1/4 लिखते हैं, मतलब कि 4 का कोई सामान है, 1 का लाभ हुआ, एक्स्ट्रा 1 का लाभ, मतलब 5 में हम सेल किए हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है वस्तु की लागत कीमत कितनी थी। लागत कीमत हमेशा नीचे वाला फैक्टर होता है, जो कि नीचे 4 दिया है, 4 होगा लागत कीमत, वही दिया हुआ है 800। अगर सेलिंग प्राइस मतलब 5 का मान है, तो छोटा मान निकालना है, मतलब 4 का मान निकालना है, काट लेते हैं 16×5=80, तो 16×64 640 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 640 है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर² है तो उसकी परिमिति क्या होगी, मतलब पेरीमीटर आपसे पूछा गया है, पेरीमीटर क्या होने वाली है। बोला क्या गया है, आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई की दुगुनी, अगर चौड़ाई एक है तो लंबाई दुगुना है, मतलब 2 गुना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा इनके साथ कोई फैक्टर भी गुना होगा, मान लेते हैं कि इसके साथ एक्स भी गुना है, दोनों साइड एक्स गुना है, इनके साथ
एक्स गुना है, इनका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इनका क्षेत्रफल आ जाएगा 2x2, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, ये जो कि दिया हुआ है 200, मतलब कि एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 100, सो काट लेंगे 100 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए ये 2x है मतलब कि 200 है, और ये कितना है 100 है। अब इनका पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई कितना है 200 है, चौड़ाई कितना है 100 है, दोनों को सम को जोड़ लेंगे 3 × 6, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 6 मतलब 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर आ गया, 600 सेंटीमीटर तो नहीं है, इसका क्या आने वाला है, इसका आएगा आपका 600 सेंटीमीटर ना होगा, 600 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे एक सोना छूटा हुआ है, 600 सेंटीमीटर आप लगाइएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसी को 60 लिखा हुआ है, ये 600 सेंटीमीटर है, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, 600 सेंटीमीटर है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओहो बाय मिस्टेक, नहीं 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 ठीक है ठीक है, यहाँ से जब रूट से निकालेंगे, देखिएगा 100 को हम बाहर निकालेंगे ना, यहाँ 10 आने वाला है, 10 आने वाला है, इसका मतलब है ये सभी टर्म गलत लिखा है मैंने, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा चेंज, यहाँ पे भी हो जाएगा चेंज, हो क्या जाएगा भाई, हो क्या जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका येलो, पता ही नहीं चलता इस पर, हाँ ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 10, हम सो क्या लिखेंगे 2 × 20 + 10 मतलब 30 × 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा, 60 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन ए में दिया है 60 सेंटीमीटर, वो भी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले दो क्लासेस में ही बताया था, आज भी बताया था ताकि आप लोगों को याद हो जाए, 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अच्छा 5 बड़ी औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच में लाया करता है, मतलब इससे पहले दो संख्या होगा, बीच में 25 फंसा होगा, उसके आगे भी दो संख्या होगी, लगातार संख्या बोल रहा मतलब गैपिंग जो है इनके बीच में एक का होगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, एक 26, एक जोड़ेंगे तो 27, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 27 हो जाएगा, 27 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 27, अब ऑप्शन बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, 27 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है 27, आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर 12 किलोमीटर ना होके, देखिए मैं इसको बेहतर तरीके से बताऊंगा, आप लोग बिन ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। अगर 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर 10 किलोमीटर होता तो 2 घंटा लगता, ठीक है, 12 किलोमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ठीक है, 5 के चाल से चलना है तो पहले तो 2 घंटा आएगा ही आएगा, 2/5 का मतलब कितना होता है 0.4, तो क्या लिखे 0.4 मतलब 2 घंटा 2.4 घंटा लगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कितना आसानी से बन गया, बिना पेन का भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाएगा बिना पेन का, 12 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 24 आने वाला है, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा 2.4 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है, वे संख्याएं कौन कौन सी पॉसिबल हैं आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसका भी हम कैसे बनाएंगे, दिया गया दो विषम संख्या, एक संख्या मानते हैं विषम संख्या एक्स है, अच्छा विषम संख्या होता क्या है, जो कि 1, 3, 5 मतलब जिनके बीच में 2 का गैप हो, अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 2 जोड़ देंगे, अगली विषम संख्या हो जाएगी एक्स प्लस 2, इनका होल स्क्वायर का सम दिया हुआ 290, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका सम दिया 290, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा भाई, ये आ जाएगा, मैं इसका बेसिक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, दो संख्याओं का सम कितना 290, लास्ट में कितना है, लास्ट में आने वाला है 0 आने वाला, हम इसी पे पकड़ के बना लेंगे, इनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आने वाला है, लास्ट वाला का ही हम चिप चेक कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर करेंगे ना तो 121 मतलब लास्ट में 1, 3 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 9, 9 एक 10 0 हो सकता है, ये माइट भी चांसेस है कि हो जाए, 3 × 9 25 14 आएगा लास्ट में ना, लास्ट में 4 आने वाला है, ये नहीं लास्ट में आना चाहिए 0 आना चाहिए, इसका देखेंगे कितना आएगा 25 और 9, लास्ट में कितना आएगा, इसमें ही 4 आएगा, ये भी नहीं होने वाला है, 7 का देखेंगे 77 49 9 आता है 9 81 ये भी हो सकता है, ठीक है, दो ऑप्शन कट गया दो हो सकता है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा इसका हम देख लेंगे, 121 और 169 जब हम सम करने वाले हैं ना,
क्या आने वाला है 290 सेट कर गया, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं, इसका आंसर सही हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ भी अगर आप फंसिएगा तो ये भी देख सकते हैं कि 19 का स्क्वायर ही 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का स्क्वायर 290 से खुद ज़्यादा होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी ऐसे ही कट जाएगा, ऑप्शन डी को आप ऐसे ही काट सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब यदि एक कार 360 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 घंटे में तय करती है, उसकी गति कितनी है आपसे पूछा गया है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है 360 है, टाइम लगा है 8 घंटे, जब हम इसको काट लेंगे तो कैसे कटेगा, 9 चौक 36 और 4 दूना 8, 5 दूना 10, 9 पड़म 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका सही आंसर होने वाला है, तो आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, 4000 अमाउंट है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 सालों के लिए, साधारण ब्याज कितना होगा आपसे पूछा गया है। अच्छा, साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, मतलब हर साल एवरी ईयर 5% मिलेगा, 5% हर साल मिलने वाला है। अगर हम 100 इन्वेस्ट किए तो 105 मिलने वाला है, 5 मिलेगा एक्स्ट्रा, दूसरा साल 5 गुना 10 मिलेगा एक्स्ट्रा, तीसरा साल 15 मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला है एक साल में 5% तो 3 साल में कितना मिलेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 15% मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा 15% भाई, इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आप पूछिए कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा सर, मैं बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 4000 का अमाउंट है, 15% के हिसाब से आप लगाइए, परसेंटेज से 2 सुन्ना काट लिए, 15 चौक 60, 1 पे सुन्ना लगा देंगे, मतलब 600 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 600, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन लगा के बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी गई है, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे देखिए सब यहाँ 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम लिख देते हैं 3, 4, 5, ये लिख दिए। अब देखिए 3, 4, 5 किसका होता है, राइट एंगल का होता है, ये किसका होता है, एक राइट एंगल का होता है, किसका होता है, एक राइट एंगल का होता है, 3, 4, 5 किसका होता है, एक राइट एंगल का होता है। तो हम इसको ले लेंगे कि एक राइट एंगल बना हुआ है, एक राइट एंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल बना हुआ है जिसमें आपके आपके पास क्या बोला गया है, एक राइट एंगल त्रिभुज बना हुआ है, मान लेते हैं कि राइट एंगल त्रिभुज बना लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, इसके पास आप इसके बाद आपके पास बोल रहा है एक राइट एंगल त्रिभुज हम ले लिए, इसमें बोला है 90 डिग्री है, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। ठीक है, लेकिन इसका दुगुना बोला गया है, ये तो नहीं लिखा है, तो अनुपात हम निकाले थे, तो मतलब क्या है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे, एक साइड दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। संभव इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 8 है, हाइट कितना है 6 है, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 6 चौक 24 कहाँ है, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 24 सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्स के कुछ दिन पहले एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप क्षेत्रफल देख के बता दीजिएगा इसका पेरीमीटर क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो आप कनेक्ट रहिएगा या फिर बीच में याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, सब अच्छे चीज़ों को पहले सीख लीजिएगा तो बेसिक्स आपका गड़बड़ा जाएगा, पहले बेसिक्स सीखने का ट्राई कीजिए, बाद में तो मैं हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस 330 है तो लागत मूल्य क्या था आपसे पूछा गया है। 10% का लाभ का मतलब क्या, अगर सामान 100 में खरीदें, 10% एक्स्ट्रा मतलब 110 में सेल किए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी 110 का मान कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसी 110 का मान आपको बोल दिया है कि 330 है। ठीक है, मतलब कि 3 गुना है, तो यहां भी 100 भी 3 गुना होगा, 100 भी 3 गुना होगा, मतलब 300 हमारा सीपी निकला, सेल किए 110 में 300 हमारा सीपी निकला, वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 300, आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ये था ALP 13 अगस्त 2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, अब हम डायरेक्टली चलेंगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पे। ठीक है,
क्वेश्चन अच्छे आसान आसान पूछे गए हैं एलपी में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को फोकस कीजिए आराम से। दो मिनट ज़्यादा ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन बनाने में 20 क्वेश्चन बनाना है, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। 20 क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम आपको जो भी समय लगने वाला है ना, वो अगर इसी तरीके से बनाइएगा 10 मिनट 12 मिनट बहुत है क्वेश्चन को बनाने के लिए। पांच संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 16 हो जाता है। आपसे बोला गया है कि हटाई गई संख्या कौन सी है। पांच संख्या का औसत कितना है, पांच संख्या का औसत 18 है। एक संख्या को हटा देते हैं मतलब अब प्रेजेंट में कितनी संख्या है, चार संख्या है, इनका औसत 16 है। ठीक, आपसे बोला गया हटाई गई संख्या कौन सी है, इसका आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। इनका सम कितना होने वाला है, 18 5 90, इनका सम होना 64। हटाई गई संख्या कितना होगा, लास्ट में घटा देंगे तो 6 आने वाला है, लास्ट में 6 नहीं है, एक ही ऑप्शन है लास्ट में 6 26, इसका सही आंसर होने वाला है। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अगर फास्ट होंगे तो बता दीजिएगा, सर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, मैं इसको बेसिक से बता और भी थोड़ा सा लॉन्ग लेके बता दूंगा, ताकि यह मेन मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड समझ में आना चाहिए। टीचर बहुत से पढ़ा रहे हैं बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट कैसे एग्जाम में परफॉर्म करेंगे ये नहीं बताएं, सबको बिजनेस से मतलब है, कोर्स बेचिए पैसे कमाइए यहाँ से 90 में 99 में, ये सब ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। ठीक है, इन चीज़ों से बच के रहिएगा। साइंस के क्लासेस शिवम सर ले रहे कंटिन्यू, दिन के पूरे दिन के 3 क्लासेस होते हैं, क्लासेस को देखिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एक व्यक्ति 5 मिनट में 400 मीटर की डिस्टेंस को तय करता है, उसकी गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। एक व्यक्ति है 5 मिनट में 400 मीटर की डिस्टेंस को तय करता है, ठीक है, आपको गति बताना है। तो गति के लिए क्या कैसे बताएं गति, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ही बताना ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है, टाइम कितना लगा, 5 मिनट लगा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 मिनट को हम सेकंड में भी चेंज कर लेते हैं, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा किए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। इसके लिए किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बताएंगे, 18 से गुणा करके 5 से डिवाइड दे देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब काट लेंगे इसका, देख लीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 6 3 18, 3 y में कटा कट गया ये। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे, 8 5 40 कितना आया, 8 3 24/5, 24/5 को क्या लिखेंगे, 4.8 ना, 24 2 48, 4.8 एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर होने वाला। अच्छा, इसको मैंने कैसे लिख दिया 4.8, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी नीचे 5 से डिवाइड करने वाला संख्या हो, जैसे 24 को ही एग्जांपल ले लेते हैं, 24 को अगर 5 से डिवाइड किए तो ऐसे मत डिवाइड कीजिए, 24 को ही दुगुना कर दीजिए। दुगुना करने से बेनिफिट क्या होगा कि अगली संख्या तो 40, दुगुना करना आसान रहता है, और नीचे कितना 10 संख्या, 10 लगने का मतलब क्या, एक अंक के बाद पॉइंट, दुगुना करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आंसर होने वाला है। दो गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, उसको दोगुना कीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, दोगुना कीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। क्या बोला मैंने, दोगुना कीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन ए होने वाला है आपके पास। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 8 और 12 से विभाजित होने पर शेष 5 देती है, मतलब शेषफल 5 आने वाला है, जब डिवाइड करने वाले हैं तो शेषफल क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो सबसे शेषफल पहले घटा दीजिए भाई, शेषफल पहले घटा के चेक कर लेंगे कौन सा मल्टीपल होने वाला है। 5 घटाएं 72, 5 घटाएं 60, 5 घटाएं यहाँ कितना आने वाला है, 56, यहाँ 5 घटाएं तो कितने आने वाला है, 48। ठीक है, अब देखिए 8 6 12 का एलसीएम कितना होने वाला है, सबसे कम तो 24 होने वाला है, 24 तो यहाँ है नहीं, 24 2 48 होने वाला है, सबसे छोटी संख्या बोला है, 48 से कहाँ है, 48 किस में आया था, ऑप्शन ए में आया था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 कैसे ले लिए, क्योंकि 48 इससे भी चला जाएगा, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी चला जाएगा, मतलब 48 सबसे छोटी संख्या है जो बाकी सभी टर्म से चली जाएगी, और शेषफल भी 5 आने वाला है। ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत होने वाला नहीं होगा। 12 पेन का सीपी, 8 पेन का, 12 पेन का सीपी, 8 पेन का एसपी का इक्वल है। जब इस तरह का डेटा दिया जाए, जब इस तरह का डेटा दिया, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूंगा अभी, ठीक है, आपके लिए बहुत काम का चीज होगा ये। जब इस तरह का डेटा दिया जाए तो सीपी जो होगा अगला
जो डिजिट होगा उसका मान होगा, और सेलिंग प्राइस होगा अगला डिजिट इक्वल टू के बाद जो डिजिट है उसका मान होगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला सीपी का अगला टर्म क्या है, 8 है। एसपी का अगला टर्म कितना, 12 है। इसका मतलब 8 में सामान खरीदे 12 में बेचे, फायदे कितना का हुआ भाई, फायदा कितना का हुआ, फायदा हमारा हुआ 4 का फायदा हुआ। फायदा किस पे कैलकुलेट होता था, लाभ पे, सीपी पे कैलकुलेट होता, सीपी 100 कितना आ गया, 50% इसका राइट आंसर आ गया। 50% कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 50%, यही आपका सही आंसर होने वाला है। आप लगा के आगे बढ़ जाइएगा, सब बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ट्रेन हिंद, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उसे कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया है। डायरेक्टली बन रहा भाई, स्पीड इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर, 3 घंटा का समय लगेगा। 3 घंटा कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया 3 घंटा, ये इसका सही आंसर होने वाला है। आप लगा के ऑप्शन सी आगे लगा के आगे बढ़ जाइएगा, सही आंसर हो जाएगा। 12,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए CISI के बीच का डिफरेंस, मैंने हर बार क्लास में बताया है, जब भी 2 साल के लिए पूछा जाए एग्जाम में आपके पास 2 ही साल का पूछेगा, ये टेंशन निकाल दीजिए। तो क्या होने वाला है, 2 साल का जब पूछता है CI 2 साल का, SI 2 साल का डिफरेंस आपसे पूछा जाए, वो क्या होता है, x²/100। x का मान कितना है, 5% है, तो 5² / 100, 5² कितना होता है, 25 होता है भाई, 25 होता है सर जी, बिल्कुल 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है, 0.25% हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 12,000 का पूछा गया है तो 12,000 लिखेंगे, अब इसका 0.25% लिख देंगे, 0.25% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कितना आने वाला है, 25 को पहले, अब डिजिट पे फोकस कीजिए, 25 को जैसे ही 12 से फोकस करेंगे ना तो 3 आने वाला है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, ऑप्शन सी में है, इसमें तो 6 ऑप्शन ही तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सॉल्व नहीं करेंगे, 25 को 12 से करते हैं तो 3 आने वाला होता है, डिजिट पे फोकस कर देंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13, देखिए उस शिफ्ट में गया था, शिफ्ट 1 में भी, शिफ्ट 2 में भी सेम आया है। अब हम इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रायंगल बना के उसका क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है राइट एंगल का, 5, 12, 13 तो ट्रिपलेट होता है, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 हम लिखेंगे, बेस कितना है 5 है, हाइट कितना है 12 है, हम इसको काट लेंगे कितना आया 6×5=30 आया, तो 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 30 सेंटीमीटर, यही आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, राइट आंसर हो जाने वाला है। चलेंगे 18 का, एक संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग के बीच का डिफरेंस 121 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, दूसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया है। पहली संख्या मानते हैं x है, इसको मैं बेसिक से बना दूं ना, देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या ज़्यादा है, ठीक है, पहली संख्या को ही ज़्यादा कर लेते हैं, दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या 7 अधिक है, x+7 है, यहाँ तक है। एक संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग के बीच का डिफरेंस, मतलब कि x+7 का होल स्क्वायर साथ में x का स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंस कितना दिया है, 121 दिया है, आपसे पूछी गई है दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला टर्म तो आपको पता ही होगा, a²-b², इसको क्या होता है, a+b और साथ में a-b होता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वही तो लिखा है a²-b², इसको भी लिख देते हैं a+b a-b, a+b लिखते हैं पहले, प्लस x, a-b लिखते हैं आप इस टाइम पे, a-b किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ तो हो जाएगा 2x+7, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ 7 आने वाला है, ये किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है, 121 के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कट रहा क्या नहीं कट रहा ना कोई टर्म, 7 + 7 नहीं कट रहा, 5 आएगा ना, 7 × 5 = 5 नहीं कट रहा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से, नहीं तो इसका एक और मेथड क्या है, मैं उस अगले मेथड पे चलता हूँ। अगर दूसरी संख्या 7 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी ना, दूसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसको हम मान के चलते हैं, क्या बोला, पहली संख्या
दूसरी संख्या का ये है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 ज्यादा होगा मतलब 19 हो जाएगा, इसमें भी 7 ज्यादा होगा तो 21 हो जाएगा। अगर मानते हैं बी सी को मानते हैं तो अगली संख्या 7 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसमें 7 ज्यादा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, किनका डिफरेंस लास्ट में एक देने वाला है, 9981 एक लास्ट में है और यहाँ पे 4 7 आने वाला है। ठीक है, 7 6 11 होता, ये नहीं होने वाला है। ठीक, ये आंसर नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसका, ये एक आ गया, एक में से 6 गया तो 5 आएगा लास्ट में, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये देखेंगे इसका 2 2 4 4 में से 5 गया तो 9 आने वाले, ये भी नहीं होगा आंसर। इसका देंगे 3 3 9 9 में से 6 गया तो 3 आने वाला है। इसका देख लीजिएगा, कट नहीं है, शायद हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे तो देख लीजिएगा। आप दोनों तरीके से मैं बता दिया आपको, जैसे अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, कोई डेटा मिसिंग है यहाँ पे, इस वजह से नहीं आया। एक अमाउंट है, एक राशि है, ठीक है, एक अमाउंट है, आपको बोला है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 सालों में 3300 हो जाती है उसका मूलधन कितना है, आपसे पूछा गया है। 5% एक साल में तो 2 साल में, 5% एक साल में तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिला भाई, सिंपल इंटरेस्ट 10 मिला। अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% तो मैंने इन्वेस्ट किया था, 10% इंटरेस्ट मिला है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा, 110% हो जाएगा। 100 प्रिंसिपल है, 110 अमाउंट हो गया, इसी 110 का मान दिया है 3300, कितना दिया है 3300, मतलब कि 30 गुना, तो प्रिंसिपल भी हमारा 100 का 30 गुना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3000। 3000 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 3000, यही आपका सही आंसर होने वाला है। आप लगा के ऑप्शन ए आगे बढ़ सकते हैं। यह आज शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आज के शिफ्ट का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम 240 है, उनका एचसीएफ 6 दिया है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया है, दो संख्या का मल्टीपल हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुना होता है। ठीक है, दो संख्या क्या है, एक संख्या एक्स है, दूसरी संख्या 24 है। एलसीएम कितना दिया है, 240 दिया है, एक दिया है 6, काट लेंगे 24 बार में चला जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, 10 6 60, एक संख्या क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। 60 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 60, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये था कंप्लीट दो शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, दो शिफ्ट का सॉल्यूशन था। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट भी बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ, जो भी कंटिन्यू लास्ट तक देखा है, मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक का आप लोगों को अच्छा अच्छा 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक का करवा दूँ, ताकि वैसे जो सिर्फ टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं उनका भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि बाद में डाउट ना रहे इन चीज़ों को लेकर। तो आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा, वैसा तो सोचे हैं, अगर होगा आप बताइएगा तो आज से या कल से स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ को भी। ये तो कंटिन्यू चलेगा, मिक्स वाला प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगा, साथ में टॉपिक भी चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेंगे भाई। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन करने वाले NTPC के क्वेश्चन लेंगे, CBT 2 के क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए। आसान क्वेश्चन तो बना दीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन फंस जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो एनोटेशन होगा ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।